हेलो गाइस, कैसे हैं सभी। वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। गाइस आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि स्त्रियां जो हैं वो अपनी स्किन को लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, और गाइस अगर ऐसे में जो है उनकी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो जो है गाइस चिंतित हो उठती हैं। वैसे गाइस जो वुमेंस होती हैं वो अपनी स्किन से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम से अच्छी तरह से डील कर लेती हैं, पर कभी कभी ये स्किन प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा ज़िद्दी हो जाती हैं कि उनको जो है रिमूव करवाना आसान नहीं होता। वर्तमान समय में जो है गाइस महिलाएँ अपनी रिंकल्स और डार्क सर्कल से बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। अगर गाइस आप भी जो है डार्क सर्कल और रिंकल से परेशान है तो गाइस घबराएं ना, मैं आज की जो वीडियो है मेरी इसी टॉपिक पे है। और सबसे बड़ी बात गाइस इस वीडियो की ये है गाइस कि रिंकल्स और अंडर आई डार्क सर्कल को रिमूव करने के लिए मैं सिर्फ एक ही इन्ग्रीडियंट का यूज़ करूँगी और उसके फ़ायदे आपको बताऊंगी, और आपको किस तरह से यूज़ करना है वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सो गाइस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए गाइस मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। गाइस अगर आपकी आंखों के नीचे काले घेरे यानी कि डार्क सर्कल हो गए हैं तो आपको बस करना ये है कि आपको लेना है थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। इसके बाद जो है गाइस आपको अपनी आईज पे जो है थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगा लेना है, दो या तीन जो बूंदें होती है वो काफ़ी रहेंगी। और फिर आपको जो है मिडल फिंगर जो होती है आपकी हाथों की, उस पर आपको जो है ऑयल को थोड़ा सा लगा लेना है। इसके बाद जो है गाइस आपको अपनी आंखों पे जो है सर्कुलर मोशन में मसाज करते जाना है, और आपको तब तक मसाज करनी है जब तक कि आपका जो ऑयल है वो आपकी आंखों में एब्जॉर्ब ना हो जाए। गाइस मसाज करने से ये होता है कि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छी हो जाती है। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं रिंकल्स की। अगर आपको अपने फेस पर बहुत सारे रिंकल्स देखने को मिल रहे हैं तो आपको बस करना ये है गाइस कि आपको लेना है थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, और फिर इसके बाद आपको जैसा वीडियो में दिखाया गया है वैसे मसाज करनी है अपने फेस की। इसके अलावा गाइस अगर आपके पास अरंडी यानी कि कैस्टर ऑयल है तो भी आप जो है अपने कोकोनट ऑयल के साथ जो है इक्वल क्वांटिटी में कैस्टर ऑयल मिला के अपने फेस पर जो है मसाज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कैस्टर ऑयल नहीं है तो आप जो है ओनली कोकोनट ऑयल का यूज़ करके भी जो है फेस मसाज कर सकते हैं और अपने रिंकल्स को दूर कर सकते हैं। मसाज गाइस रेगुलर वेज पे करनी है ताकि आपके जो रिंकल्स हैं वो हफ्ते भर में ठीक ही हो जाएंगे।
गाइस, फेस मसाज करने के बाद आपका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो आपको किसी टिश्यू पेपर से या रुमाल से जो है पोंछ लेना है। और याद रखें गाइस, आपको फेस को वॉश नहीं करना, यानी कि फेस को धोना नहीं है, और आपको ऐसे ही सो जाना है। सुबह जो है गाइस, उठने के बाद आपको अपना फेस को वॉश करना है। देखा जाए तो गाइस, जो डार्क सर्कल और फेस रिंकल की प्रॉब्लम जो होती है वो आमतौर पर जो है गाइस किसी भी कारण से हो सकती है, जैसा कि तनाव के कारण, उम्र का असर, कंप्यूटर या मोबाइल का अधिक उपयोग करना, आनुवंशिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, और खान पान का सही ना होना, पर्याप्त नींद ना लेना, थकान, आयरन की कमी, और एलर्जी, शराब या स्मोकिंग अधिक करना, हार्मोन्स असंतुलन, गर्भावस्था के कारण भी जो है फेस रिंकल्स और डार्क सर्कल हो जाती हैं। और अगर आप धूप में ज़्यादा रहते हैं तो भी आपको जो है डार्क सर्कल या फेस रिंकल की प्रॉब्लम हो सकती है। गैस देखा जाए तो काले या सांवले लोगों की तुलना में गोरे लोग जो होते हैं उनको जो है फेस रिंकल या डार्क सर्कल की जो प्रॉब्लम वो ज़्यादा जल्दी देखने को मिलती है। सो गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।